हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। लास्ट बहुत सारे वीडियो मैंने रुई लोपेस पे बनाए थे, हालांकि वो सारी ट्रैप्स थी, 56 ट्रैप्स थी, नॉट अ प्रॉपर ओपनिंग, लेकिन उस ट्रैप्स में से आप पूरी ओपनिंग लाइन सीख सकते हो। तो सारे वीडियो अगर आपने देख लिए है तो रुई लोपेस आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, ताकि कोई भी ट्रैप में आप फंसोगे नहीं। दोस्तों, आज से हम एक नई ओपनिंग शुरू कर रहे हैं। लोग नाम जानते ही होंगे इसका, बहुत ही फेमस ओपनिंग है, कॉलेज सिस्टम। कॉलेज सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉलेज झुका टर्ट और दूसरा कॉलेज कोर्टनोइस की अटैक। ये दोनों टाइप के कॉलेज सिस्टम आपको बहुत ही काम आएगी। ये ओपनिंग है व्हाइट की ओर से, और कई लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि मैं E4 जब खेलता हूँ तो ब्लैक के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है, लाइक E6 फ्रेंच डिफेंस, D6 पर्क डिफेंस, देन C6 कैरोकान डिफेंस, नाइट F6 अलेकाइन डिफेंस, E5 इटालियन रुई लोपेस बिशप ओपनिंग बहुत सारी इसमें होगी, C5 बहुत ही फेमस लाइन है सिसिलियन डिफेंस। तो E4 के अगेंस्ट ब्लैक को बहुत चॉइस है, लेकिन व्हाइट को क्या करना है, E4 खेल के सिर्फ बैठे नहीं रहने, क्योंकि ब्लैक अगर कुछ भी खेलता है फ्रेंच सिसिलियन तो सबकी आपको प्रिपरेशन जरूरी है। तो सबसे मतलब डिफिकल्ट लाइन है तो E4 है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी आप E4 करते हो तो आप उसी सेकंड से सोचना शुरू कर देते हो कि क्या खेलेगा व्हाइट, सीफल कैरोकान फ्रेंच। तो ये सारी दिक्कतें दूर करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया लाइन सिखाऊंगा और इस लाइन की पूरी सीरीज बनाऊंगा, जिसका नाम है कोले सिस्टम, जो आपको शुरुआत D4 से करनी होगी। कोले सिस्टम दोस्तों D4 ओपनिंग माइल्ड अटैक है, बहुत ही अग्रेसिव, जल्दी से आप अटैक कर दो E4 की तरह ऐसा नहीं है, लेकिन पोजिशनल प्ले भी है और अटैकिंग लाइन भी है, इसीलिए कोले सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। तो यहां पे मैं आपको दो स्ट्रक्चर बताऊंगा दोस्तों, कोले जो दोनों स्ट्रक्चर है पहले हम देख लेते हैं। कोर्टनोइस की जो स्ट्रक्चर है D4 D5, ब्लैक के मूव्स सेम नहीं रहेंगे दोस्तों ओपनिंग के हिसाब से, मतलब अब यहां पे मैं दो पहले ध्यान रखिए, आप स्ट्रक्चर पे डिपेंड, यहां पे C3 वाला जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है पहले वाला कोर्टनोइस की स्ट्रक्चर। यहां पे देखो व्हाइट का ये याद रखो कि पॉन जो है D4 पे है, एक E3 पे है, एक पॉन C3 पे है, दोनों नाइट अल्टरनेट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला स्ट्रक्चर ये है कोले सिस्टम का, बहुत ही इजी लाइन है दोस्तों, बहुत ही इजी, क्योंकि स्ट्रक्चर एक बार आपको याद रह गया तो आसानी से आप ओपन कर दोगे गेम को। उसके बाद के आइडिया मैं बताऊंगा, यहाँ पे कुछ रूल्स भी है जो आपको फॉलो करने हैं कि कोले सिस्टम जब आप खेलते हो तो D4 के ऊपर आपका पॉन होना जरूरी है, आपको यहाँ से एक्सचेंज नहीं करना है। अगर अपोनेंट यहाँ टेक्स करता है तो आपका दूसरा ऑप्शन पॉन से ही लेना होगा, ताकि D4 पे आपका एक पॉन रहना चाहिए, ये पहला खास रूल है कोले में, क्योंकि D4 वाला जो पॉन है वो E5 को कंट्रोल करता है। दूसरा जो है आपको यहाँ पे अटैक कैसे करना है, तो लाइक नाइट टू E5 देन F4 और नाइट F3 ये कर सकते हो, या फिर दूसरा अटैक है नाइट टू E5 देन F4 रुक टू F3 एंड देन रुक टू H3, आप ऐसे रुक का मैनोरिंग कर सकते हो। तो ये दोनों स्ट्रक्चर याद रखिए, मूव बाय मूव मैं पूरी ओपनिंग आपको बताऊंगा, मूव बाय मूव। अगर ब्लैक पहले से कुछ इसमें एक्सेप्शन भी है कि तब आपको कोले में दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत के रिप्लाई भी मेरे पास है, जैसे कि D4 ब्लैक रिप्लाई देता है E6, नाइट F3
और ब्लैक यहाँ पे नाइट एफ सिक्स, तो ये हमारा हो जाएगा क्लासिकल वेरिएशन। लेकिन डी फोर के सामने ब्लैक अगर डी फाइव करता है, नाइट एफ थ्री हम खेलते और इसी मूव में बिशप जी फोर आता है, तो आपको कॉलेज सिस्टम के कुछ रूल्स फॉलो नहीं करने हैं और अपने हिसाब से बढ़िया से मूव निकालने हैं। और यहाँ पे वो भी मैं बताऊंगा कौन से बढ़िया मूव है, इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए। पूरे कॉलेज सिस्टम के मूव बाय मूव मैं आपको सिखाऊंगा। कई बार सेकंड मूव में नाइट एफ सिक्स देन ई थ्री और उसके बाद आपके नाइट को पिनिंग करते हैं, तो एक ये भी लाइन है। कई बार नाइट एफ सिक्स के बाद जैसे कि आपने ई थ्री किया तो बिशप एफ फाइव पहले खेल लेते हैं, तो यहाँ बी डी थ्री कैसे पॉसिबल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन। सबसे पहले एक और बात दोस्तों खास बताना चाहूंगा कि एंटी कोले मतलब कोले सिस्टम के सामने तीन लाइन ज्यादा फेमस है, तो एंटी कोले इसे बोलते हैं। ब्लैक खेल सकता है द डीले ग्रनफील्ड, दूसरा क्वींस इंडियन डिफेंस और तीसरा द बिनोनी। इनके सामने भी व्हाइट से कोले सिस्टम खेलने के बाद आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगा। यहाँ शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन। कुछ लाइन में दोस्तों अर्ली बिशप चेक ये भी आपको देखना होगा, डी फोर देन डी फाइव, जैसे कि नाइट एफ थ्री ई थ्री ई सिक्स बिशप डी थ्री जब आप करते हो, ब्लैक सी फाइव करता है बी थ्री। अब यहाँ पे एक ब्लैक के पास एक अच्छा ऑप्शन है पॉन टेक्स देन बी बी फाइव चेक, तो इसके अगेंस्ट भी मैं आपको रिप्लाई बताऊंगा। एक लाइन ये भी है जो बिशप जी फोर मैंने बताया, तो इसके अगेंस्ट भी आपको तैयारी करनी होगी। दूसरी एक लाइन यहाँ पे मान लो कि बिशप एफ फाइव, तो यहाँ पे वाइट से कैसे खेलना है दोस्तों। ये सारे अगर देखो कोले सिस्टम क्लासिकल तो आप खेलते ही हो, अगर ब्लैक रिप्लाई देता है क्लासिकल तो आपको बहुत ही मजा आएगा, पर जो साइड लाइन है बिशप जी फोर पिनिंग वाली बिशप एफ फाइव, तो उसके अगेंस्ट आपको वाइट से कैसे खेलना है ये मैं बताऊंगा। और ये पूरी लाइन आप पूरी सीरीज देखिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए, सभी मूव्स आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, पहले तो मैं आपको कुछ प्रिंसिपल्स कोले के, टोटल सेवन प्रिंसिपल्स हैं वो आपको बता दूंगा। सबसे पहला जो है नेवर अलाउस ब्लैक टू प्लेस एनीथिंग ऑन ए थ्री एफ फोर एंड ई फाइव, मतलब जो ई फाइव स्क्वायर है एफ फोर स्क्वायर है और ए थ्री, यहाँ पे ब्लैक के कोई भी पीस या पॉन को अलाउ नहीं करना है। दूसरा जो प्रिंसिपल है डोंट अलाउ ब्लैक टू प्लेस एनीथिंग बट ए पॉन ऑन डी फाइव और सी फाइव, इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका जो पॉन है ये डी फोर पे रहना कंपलसरी है। ऑलवेज कंसिडरिंग अटैक एनीथिंग ब्लैक रिट्रीट्स हिज नाइट फ्रॉम एफ सिक्स। दोस्तों कोले में खास ध्यान रखो कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे बिशप ऑन डी थ्री होता है, फिर लाइक एन सी सिक्स और लाइक ई सिक्स बिशप बी टू बिशप डी सिक्स और कैसल, तो कोले सिस्टम में दोनों बिशप आपके किंग साइड अटैक करते हैं। तो याद रखिए जब भी ये नाइट यहाँ से रिटर्न होता है कहीं भी तो आपको यहाँ पे अटैक बनाना है, क्योंकि नाइट एफ सिक्स वाला जो एफ सिक्स नाइट है वो बहुत ही पावरफुल रहता है ब्लैक के लिए, वो अपनी गेम को डिफेंस परफेक्टली करता रहता है। डी फोर पॉन पे ऑलवेज आपका एक पॉन होना चाहिए। इफ योर अपोनेंट अपोनेंट का किंग अगर सेंटर में है तो आपको जल्दी अटैक का प्लानिंग करना चाहिए। तो इतने जो मेन प्रिंसिपल है कोले सिस्टम में ये याद रखने। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम शुरू करते हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन अवॉइडिंग मेन लाइन है, मेन लाइन में अवॉइडिंग द बिशप किलिंग प्लान। ये पूरी सीरीज ध्यान से देखनी पड़ेगी, हर एक वीडियो आपको कोई भी वीडियो बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सर तो कितना बोल बोल करते हैं और सिखाते कम है, लेकिन
मेरे वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताता हूँ क्यों कौन सा पीस कहाँ होना चाहिए, इसके बारे में भी आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि जब गेम आप खेलते हो तो आपके दिमाग में रहे कि यहाँ पे तो ये जरूरी है, एक भी पोजिशनल मिस्टेक नहीं हो, इसीलिए ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो पहला हम देखते हैं मेन लाइन अवॉइडिंग द बिशप किलिंग प्लान। तो चलिए पहले सेवन मूव जो क्लासिकल वेरिएशन कहते हैं जिसे, वो देखते हैं। पहले सेवन व्हाइट खेलेगा डी फोर, ब्लैक रिप्लाई देगा डी एन एफ सिक्स। आजकल एन एफ सिक्स की बहुत ही पैटर्न हो गई है, एन एफ सिक्स देन जी सिक्स किंग्स इंडियन डिफेंस, तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं मेन लाइन, यहाँ आपको खेलना है नाइट एफ थ्री सेकंड मूव, ब्लैक रिप्लाई देगा डी फाइव, ये हो गई मेन लाइन। अगर ब्लैक ने डी फाइव कर दिया तो मेन लाइन है, डी सिक्स कर दिया तो मान लो कि पर्क या किंग्स इंडियन का स्ट्रक्चर ब्लैक बनाना चाहता है, लेकिन ध्यान रखें डी फाइव तो मेन लाइन। ई थ्री उसके बाद आपको खेलना है थर्ड मूव ई थ्री, इसके बाद बिशप जैसे कि ई सिक्स ब्लैक ने खेला, लेकिन मैंने बताया कि बिशप एफ फाइव और बिशप जी फोर, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा मेरे वीडियो में, ध्यान रखो। तो वन बाय वन सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उसके बाद ई सिक्स, यहाँ पे बिशप डी थ्री पहले निकालना है क्योंकि अर्ली कैसल इज जरूरी है। ब्लैक रिप्लाई देता है सी फाइव, देखो सी फाइव को सबसे पहले हमें बी थ्री से स्टॉप करना है, क्यों स्टॉप करना है, अगर हमने उसे चांस दिया तो नेक्स्ट मूव सी फोर होगा और हमारा बिशप बहुत ही पैसिव हो जाएगा, जो अटैक में कोई काम में नहीं आएगा। तो बी थ्री जरूरी है, ध्यान रखो जब भी ब्लैक डी फाइव देन सी फाइव करता है तो बी थ्री मूव जरूरी है। उसके बाद नाइट सी सिक्स, यहाँ पे आपको करना है कैसल, देखो अवॉइडिंग, पहले ही मैंने बताया है अवॉइडिंग द बिशप किलिंग प्लान। हम जैसे कि ब्लैक नेक्स्ट थ्रेट नाइट बी फोर करके हमारा ये स्ट्रॉन्ग बिशप लेना चाहता है, हम चाहे तो इसे ए थ्री करके स्टॉप कर सकते हैं और उसके बाद में कैसल कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले चैप्टर में ये बता रहा हूँ आपको कि अवॉइडिंग बिशप किलिंग प्लान, ब्लैक का जो बिशप किलिंग प्लान है उसे अवॉइड करके हम अपना डेवलप में ध्यान देते हैं, तो यहाँ कैसलिंग इज अ बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद बिशप डी सिक्स और बिशप बी टू, ब्लैक डू कैसल। अब यहाँ पे ब्लैक ने कैसल कर दिया, व्हाइट ने कैसल कर दिया, देखो ये स्ट्रक्चर बहुत सारी गेम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो कुछ कुछ जो है छोटी सी चेंजिंग, मान लो कि कुछ बहुत सारे गेम्स में खेल चुका हूँ जिसमें ये नाइट के बदले पहले ब्लैक ने बी सिक्स किया है, बिशप को पहले डेवलप कर दिया है, किसी गेम में ब्लैक ने कैसल नहीं किया है, क्वीन ई सेवन पहले किया है, तो ये सारे रिप्लाई आपको अलग से देखने हैं, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे ब्लैक कैसलिंग के बाद क्या क्या प्लानिंग हो सकते हैं, तो क्वीन ई सेवन एक तो प्लानिंग ये है ब्लैक का कैसलिंग के बाद, तो क्वीन ई सेवन आइडिया पॉन एक्सचेंज के बाद बिशप को ए थ्री पे ट्रेड करने के लिए पहला ये प्लानिंग है, और दूसरा ई फाइव सेंटर ब्रेक करने का भी प्लानिंग, तो ये प्लान कर सकते हैं। दूसरी ब्लैक की चॉइस क्या हो सकती है ये पोजीशन में, तो क्वीन सी सेवन आइडिया ई फाइव ब्रेक। तो देखो ऑल थ्रेट एक साथ हम ब्रेक नहीं कर सकते, यहां पे हमें खेलना है नाइट बी डी टू, ये क्लासिकल में आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्लैक खेलेगा क्वीन ई सेवन, देखो पहले हम देखते हैं क्वीन ई सेवन, मैं क्वीन सी सेवन के बारे में भी बता दूंगा। ये हो गई आपकी परफेक्ट पोजीशन, इतने मूव्स तो सबको याद रह जाएंगे क्योंकि सिमिलर मूव्स है, सिर्फ ब्लैक का एक मूव जो है सी फाइव पे है और क्वीन ई सेवन आया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ई फाइव ब्लैक को ब्रेक नहीं करने देना है, तो इसके लिए बेस्ट चॉइस होगा नाइट ई फाइव। मैंने पहले ही बताया कि कोले में नाइट ई फाइव और एफ फोर और नाइट एफ थ्री या रुक एफ थ्री का प्लानिंग रहता है, इसलिए राइट टाइम पे आपको नाइट ई फाइव कर देना है। यहाँ पे ब्लैक रिप्लाई देगा पॉन टेक्स पॉन धैन पॉन टेक्स पॉन, आपको पॉन से ही मानना है, और उसके बाद यहाँ पे बिशप ट्रेड करने के लिए ब्लैक खेलता है। दोस्तों ये पोजिशन में ओल्ड मेथड क्या थी, तो व्हाइट यहाँ पे रिप्लाई देता था क्वीन सी वन, पर अभी रिसेंटली
थोड़ी अपडेट भी होती है लाइंस। तो यहाँ पे वाइट बिशप टेक बिशप आफ्टर क्वीन टेक्स बिशप देन c3 स्टॉपिंग दिस नाइट टू b4, और इस प्रकार भी वाइट खेल सकता है। तो ये था आज का हमारा मेन क्लासिकल वीडियो कोले सिस्टम। कोले सिस्टम के सभी वीडियो आपको वन बाय वन में सारी वेरिएशन सिखाऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और दोस्तों खास करके एक बात बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा मोबाइल नंबर है, ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।